हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि गूगल स्प्रेडशीट में डॉलर का सिंबल कैसे ऐड करते हैं। तो देखिए, बहुत सिंपल है। अब मान लीजिए कि यहां पर हमने ये अमाउंट टाइप किया हुआ है। अब इसके नीचे हम जो भी नंबर ऐड करें, हम ये चाहते हैं कि उससे पहले एक डॉलर का सिंबल ऐड हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस सेल को सेलेक्ट कर लीजिए जहां पर आप डॉलर का सिंबल ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि यहां से लेकर के यहां तक हमने ये सेल जो है सेलेक्ट कर ली। मतलब हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो भी हम नंबर टाइप करें उससे पहले डॉलर का सिंबल जो है वो ऐड हो जाए। तो हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद हमको जाना है ऊपर के रिबन में फॉर्मेट टैब में। ये रहा फॉर्मेट टैब, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा नंबर्स का। ठीक है, ये रहा नंबर का ऑप्शन। जब कर्सर आप यहाँ पर ले जाएंगे तो राइट साइड में देखिए आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। और यहाँ पर नीचे देखिए, ये है डॉलर का सिंबल। ठीक है, बस इस पर क्लिक कर दीजिए। तो ये हम देखिए, इसको इस पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर मान लीजिए कि मैं वन टाइप करूँ। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं वन टाइप करूँ। अब जैसे ही मैं एरो आगे बढ़ाऊंगा तो ये देखिए यहाँ पर डॉलर का सिंबल ऐड हो गया। अब इसके नीचे यहाँ पर मान लीजिए मैं 44 टाइप करूँ। अब जैसे ही मैं एरो इधर करूँगा तो ये देखिए डॉलर का सिंबल ऐड हो गया। ठीक है।